हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल रेंडर फार्मेसी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 10 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क आ सकते हैं। अगर आपको बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन कोगुलेशन फैक्टर एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। आपको इसमें कोगुलेशन फैक्टर मेंशन करना, कौन कौन सा कोगुलेशन फैक्टर है और उसका मैकेनिज्म क्या है ब्लड कोगुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसके क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरोन एंड द साइलेंट फ्यूचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपको इसमें न्यूरोन का एक नीट और लेबल डायग्राम बनाना है और उसको क्या क्या साइलेंट फीचर होता है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इंटरनल ऑटोनॉमी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यूजिंग नीट लेबल डायग्राम। आपको इसमें हार्ट का इंटरनल एनाटॉमी बताना है और एक अच्छे से लेबल डायग्राम बनानी है, नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। इसमें आपको ईयर का स्ट्रक्चर बताना है और फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इरिथ्रोपोइसिस। आपको इसमें स्टेज बताना है इरिथ्रोपोइसिस का एंड क्या फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है इरिथ्रोपोइसिस का, वो आपको लिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। इसमें आपको सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन एक्सप्लेन करना है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल। इसमें आपको कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करना है और इसमें डायग्राम भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इसमें आपको ब्लड प्रेशर क्या होता है वो बताना है और हमारा बॉडी में कैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है वो बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मेंशन द क्रैनियल नर्व। इसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड का एनाटॉमी बताना है और जितने भी आपका क्रैनियल नर्व्स है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द वेरियस इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। इसमें आपको डिटेल में बताना है क्या क्या वेरियस इवेंट होता है कार्डियक साइकिल का। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन। इसमें आपको आईज का क्या स्ट्रक्चर होता है वो बताना है और फिजियोलॉजी बताना है विजन का। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन। इसमें आपको ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बना है वो बताना है और उसका क्या फंक्शन होता है वो बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आपको इसमें एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर और वो कहाँ लोकेट होता है और क्या क्या फंक्शन होता है एपिथेलियल का वो बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन सेल एंड विथ इट्स पार्ट अलोंग विथ डायग्राम। आपको सेल को डिफाइन करना है और उसके कितने पार्ट्स होता है वो लिखना है अच्छे से डायग्राम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।